أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. यहाँ से मज़मून नंबर 12 इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में शुरू हो रहा है। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह बड़ा ही अहम मज़मून है। यह हमारा सबक नंबर 54 है, मैं इसको बदली नहीं कर सका। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाए। देखें जी, माल ऐसी चीज है जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल से आखिर तक नहीं निकलती। इंसान के दिल से बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, अपने हुस्न व जमाल की मोहब्बत, ये इंसान के दिल से निकल जाती है। आसाइशों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत, अच्छे खाने की मोहब्बत, ये बहुत से लोगों के दिल से निकल जाती है। लेकिन माल ऐसी चीज़ है कि जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल से कब्र तक नहीं निकलती। अल्लाह को मुतकास बर्बाद कर दिया पैसे की कसरत की ख्वाहिश ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुँच जाते। तो माल की मोहब्बत निकालने का तरीका यह है कि उसको खर्च किया जाए। और आप यकीन करें, जो माल खर्च करने की आदत डाल लेता है, अल्लाह उसके कल्ब से माल की मोहब्बत को निकाल देता है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि सदका देने की आदत डालें। जिनका किसी शेख से ताल्लुक और बैत है या इस्लाही रबता है, अपने शेख से पूछ के सदका करें, उससे बड़े फवायद हासिल होते हैं, बड़ी अजीब अजीब हिकमतें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक वाक्य बताता हूँ। एक मसला हुआ तो मैंने अपने हजरत से अर्ज किया था, इस मसले के लिए दुआ कर दें। तो मैं सदका करूँ, मुझे अगले दिन पूछा कि मैंने कहा सदका कर दिया। अगले दिन पूछा सदका कर दिया, मैंने कहा जी कर दिया। तो मैं कहाँ किया, मैंने कभी खुला जरूरतमंद शख्स तो हजरत ने फरमाया कि कितना दिया। मैंने बताया कि 3000 रुपया था, वो जरूरतमंद भी है, मुझे पता है उसके हालात, दे दिया। फरमाया कम करके दो, दोबारा दो, कम करके 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। मैंने दिया, पूछा कितने दिए, मैंने कहा 50 रुपया। फरमाने लगे बीवी ज्यादा दिया, कम दे। मैं फिर गया, मैंने 20 रुपये दिए, फरमाया बीवी ज्यादा दिए। चौथे दिन जब गया हूँ, जब मैं उसको 20 रुपये देते वक्त शर्मिंदगी थी, जब मैं 10 रुपये दे रहा था तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं दे क्या रहा। और उस दिन सही हकीकत खुली मेरे सामने कि मैं क्या और मेरी औकात क्या, मेरी सदके की हैसियत क्या है। यानी उस दिन समझ में आया कि मैंने आज सदका दिया। जरूरी नहीं है कि अब सब लोग ये हम कल से 4 चराने सदका दिया करेंगे, ये नहीं रही। ये तो देश में मर्द इस भगवान के जब इंसान किसी से रहनुमाई लेता है तो फिर उसमें 85 इस तरह की चीजें आती। तो सदका देने से बहुत से मसाइल हल होते हैं। जो माल की मोहब्बत है, ये इंसान की सबसे खतरनाक जहर है।
वसल्लम ने जो उम्मत के लिए सबसे ज्यादा डर का बयान सुना, लिकुल्ली कौम फितना, सुनो मेरी हर कौम का कोई ना कोई फितना है, वलाकिन फितना तो उम्मत ही अलमार, वलाकिन नहीं, फितना तो उम्मत ही, मेरी उम्मत का फितना, मेरी उम्मत के अंदर शर अंगेजी फैलाने वाली चीज वो माल है। तो आप कुरान को देखें तो कुरान ने माल को खर्च करने पे बहुत तरगीब। आप अलैहि सलातो सलाम ने कभी खवातीन को बराह रास्त मुखातिब नहीं फरमाया, जब भी फरमाया पर्दे से बयान फरमाया, पर्दे से बात करनी। एक खातून मसला पूछने सामने आ गई तो उसको इरशाद फरमा दिया, वरना आप अलैहि सलातो सलाम खवातीन को सामने से खिताब नहीं करते थे। लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मसला ऐसा है कि काफी सारी खवातीन इकट्ठी आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब खवातीन से कहा रुको और मेरी बात सुनो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खवातीन को मुखातिब करके फरमाया कि तुम सदका किया करो, सदका करने का हुक्म है। तो मैं यहाँ पर आजकल सदका करना बस ऐसे हो गया, क्योंकि चंदा है और मौलवी हजरात सदके के फजाइल सिर्फ अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए सुना रहे होते हैं, जिससे लोगों के दिल में चंदे की सदके की अहमियत खत्म होती जा रही है। अल्लाह हमारी इस कौम को माफ करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ से आयत नंबर 261 से लेकर आयत नंबर 200 और ये 69 तक, ठीक है, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी आपके सामने ये दो तीन सफात हैं, ये एक आधा सफा वो, एक सफा ये और ये एक सफा ये, आयत नंबर 274 तक, 269, आयत नंबर 274 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदके की तरगीब दी। आज तो मैंने सारा पस मंजर बताते हुए बात लंबी कर दी, तो लेकिन ये पस मंजर बताना जरूरी था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्फाक को बड़ी अहमियत दी है। आप अलैहि सलाम ने कसम खाई है सदका देने से अगर किसी का माल कम हो जाए, सदका देने से किसी का माल कम नहीं होता, आप अलैहि सलाम ने कसम खाई। लिहाजा हम आज और कल के सबक में सदके के हवाले से पढ़ेंगे, और मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि जब भी कुरान मजीद में से कुछ पढ़ो तो उसके ऊपर अमल जरूर करो। तो मैं भी कोशिश करूंगा, आप हजरात ने भी कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ जो अल्लाह ने दिया है, चाहे किसी के पास थोड़ा है चाहे किसी के पास ज्यादा है, अपने माल में से सदका करें, अपने माल में से सदका करें। कल हमारी जो आयत आएगी उसके अंदर सदके के बेहतरीन मसारिफ का भी जिक्र है, इंशाल्लाह वो कल आएगी। आज आयत को जरा समझें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्फाक के फजाइल बयान फरमाए, उसके बाद आदाब बयान फरमाए और आदाब की खिलाफ वर्जी करने वाले का अंजाम बयान फरमाया। सबसे पहले फजाइल, ये आयत फजाइल के बारे में, मثل الذين ينفقون أموالهم लोगों की मिसाल ऐसी है, ينفقون जो खर्च करते हैं, أموالهم अपने मालों को, في سبيل الله अल्लाह के रास्ते में, كمثل حبة, मिसालों की क्या है, उनकी मिसाल हब्बा कहते हैं दाने को, ठीक है, मैंने इधर लिखा हुआ है, कमतरी हद्दतिन, मिसाल उस दाने की है जो कि जमीन पे गिरा और जमीन पे गिर के उसमें से पौधा निकला, ठीक है, ये गंदम का पौधा निकला, गंदम का पौधा निकल के, ये गंदम का पौधा है, चलिए किसी को गंदम का पौधा पसंद है नहीं है, हम कपास का पौधा निकाल देते हैं, ठीक है, कपास का पौधा निकल आया, ये किसी को कपास पसंद नहीं, जरूर ठीक है, हम इसमें से हम निकाल लेते हैं आम, ठीक है,
अब किसी को आम भी पसंद नहीं है तो ना हो हमारी बला सी जाएगी। खैर ऐसी बात करो तो कमसल हबत, इस दाने की मिसाल है कि अंबतत के उस दाने में से अंबतत निकला सबअ सनाबिल, सात कोशे, सात कोशे निकले, फी कुल्ली सुंबुलतिन, और हर कोशा सुंबुला कोशा सनाबिल कोशे को कहते हैं, फी कुल्ली सुंबुला और हर कोशे के अंदर हर एक जो चिट्टा होता है, मे अतु हब्बा 100 दाने, एक दाना और उसमें से सात कोशे निकले, ठीक है जी, हर कोशे में 100 दाने, कितने बजी, एक बराबर 700, ठीक है। अच्छा ये कम से कम है, हम बदत सदा सना फी कुल सुंबुला दुनिया तो हक्का, 1 रुपया दें अल्लाह के रास्ते, अल्लाह इसको अपने पास 700 लिखेंगे, और जो 10 रुपया दे अल्लाह उसको कितने लिखेंगे, खुद सोचेंगे 7,000 लिखेंगे, जो 100 दे अल्लाह उसको 70,000 लिखेंगे। सुभान सुभान, यानी आप 100 डॉलर दे के, आप 100 रियाल दे के, आप 100 दिरहम देके, आप 100 रुपया देके 7,000 रुपया लिखवा सकते अल्लाह के पास, लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, इतना नहीं, वल्लाहु युवाहिदु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहे उतना बढ़ा दे, वल्लाहु वासिउन, अल्लाह वसी वसत वाली जात है, अल अलीम और हिकम इल्म इल्म वाली जात, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वसत वाले और बड़े इलम वाले हैं, समझिए जी, कि हमने अमल भी करना है इसके ऊपर। आगे चलेंगे, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम फी सबील, बहुत बातें हैं जी, इस आयत को बुनियादी तौर पर मैं तर्जुमा समझाना चाहता हूँ, वरना बातें इतनी ज्यादा हैं कि मैं कम से कम 1 घंटा इस पर बात मजीद कर सकता हूँ। खोशे की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी, फिर खोशे में 100 दाने को अल्लाह ने क्यों पिरोया, हम खोशे को खोलें तो हर खोशे के अंदर तकरीबन 7, देखें जो गंदम का खोशा है ना, जिसने आप लोगों ने देखा, एक खोशा होता है उसके 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से में कम से कम 50 दाने होते हैं, कम, और ये आम गंदम है, बाजे गंदम में ये 2 हिस्से नहीं होते, ये 4 होते हैं, यानी एक उसके ऊपर 1400 दाना होता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु, अल्लाह ताला 700 तो सात ये तो देगा ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जिसको जितना चाहते हैं दे, समझे जी। यहां तक एक बात होगी, फजाइल का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमा दिया, आगे अल्लाह बयान फरमा रहे, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह आदाब इन्फाक के आदाब बयान फरमा रहे हैं कि देखो काम तो बहुत बड़ा है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसके कुछ आदाब भी हैं। मसला ये है कि लोग सदका तो कर देते हैं, लेकिन सदका करने के बाद एहसान जताना नहीं छोड़ते, कहते हैं जी मेरे नाम की प्लेट लगनी चाहिए, मैं मस्जिद में के लिए सदका तो दे रहा हूं लेकिन मेरे नाम की प्लेट लगनी चाहिए, और मुझे कमेटी का सदर बनाना चाहिए, या मेरी बेगम का नाम इस दरवाजे पे आना चाहिए, या ये, यानी इन्फाक तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद मन भी है और आजादी है, यानी मन का मतलब है एहसान और अज़ा का मतलब है तकलीफ, ठीक है, मन का मतलब है एहसान जतलाना और अज़ा का मतलब है तकलीफ। मेरे पास एक वाकयात की लिस्ट है, मैं क्या बताऊं आपको, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الذين ينفقون أموالهم، الذين وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں،
अम्वालहुम अपने माल को फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुमला युतबिउना और फिर वो उसके पीछे नहीं करते, मान फकू जो उन्होंने खर्च किया है उसका पीछा नहीं करते, मन्नन एहसान के साथ, अजन और वाला अजन और तकलीफ देने के साथ, यानी वो उसके बाद ना एहसान जतलाते हैं ना तकलीफ देते हैं। सुमला युद्वयों का मतलब वो नहीं करते जो अपना माल में से खर्च किया है, मन्नो वाला आदा ना वो एहसान जतलाते हैं और ना वो अपने पैसे देने की वजह से अजियत देते हैं। अल्लाह, हमारे अशरफुल मदारिस जब बन रहा था उनसे वाकयात ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो एक सुनाई हूँ आपको। हमारा जब अशरफुल मदारिस बन रहा था तो काफी सारे प्लॉट खरीदे और खरीदने के बाद एक जगह पे यज्जा प्लॉट खरीदे, तो दरमियान का एक जो प्लॉट था जी कर्नल साहब का, तो कर्नल साहब को हमारे हजरत वाला हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, बुला के फरमाया कि जी आपकी जो मार्केट रेट है, अपने प्लॉट बेचना तो है, आपने इस पे घर तो बनाना नहीं है, तो आपने बेचने के लिए लगाया भी हुआ है, तो आपका जो मार्केट का रेट है आप उस रेट पे हमें ये प्लॉट दे दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। ना उनसे सदका मांगा ना उनसे, उनका मौलवी लोग सदका और चंदा बहुत करते हैं, और आप लोग फलाने फलाने काम जो आपके मौलवी हजरात हैं वो ये और वो, इस तरह की बात की, अजानी अजियत नहीं, आप सौदा करने आए हैं तो आप सौदा करें, आप वहां पर किसी की जात को, क्योंकि वो हम पे एहसान कर रहे थे कि प्लॉट दे रहे थे मदरसे के लिए, तो लेकिन हम तो उनसे खरीद रहे थे, हम उनसे फ्री में नहीं ले रहे थे, लेकिन वो चूंकि सारे दाएं बाएं के प्लॉट हमारे थे तो बेचारे मजबूर भी थे इस तरीके से। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी आपका, आपकी बात मुकम्मल होगी क्या जी हजरत, होगी, अब आप प्लॉट की बात करें। हजरत ने फरमाया हमें आपका प्लॉट नहीं चाहिए, आप चले जाएं, आप वो जिसको बेचना है बेचिए, महंगे दामों बेचना है बेचिए, हम आपसे प्लॉट नहीं खरीदेंगे, हमारा मदरसा अधूरा रह जाता है, हम छोड़ देंगे। तकरीबन 40 प्लॉट थे, में से एक प्लॉट उन साहब का था, बकिया हमारे मदरसे के थे। तो कहने लगा जी क्या हो गया, अभी आप कर्नल साहब हैं, आप फौज को मशवरा दें, आप उलमा को मशवरा दें, यानी इस तरीके से अजियत ना हो, ऐसे ही मन भी ना हो, यानी एहसान जतलाने वाला रवैया भी ना हो, एहसान जतलाने वाला रवैया होगा तो फिर ऐसे मसाइल होते हैं। हमारे मेरी मस्जिद में एक मतलब एक साहब आए और उन्होंने अपना निकाह पढ़वाया मुझसे, फिर निकाह हो गया और वो चले गए, कुछ अरसे के बाद आए तो उनको निकाह नामा दोबारा बनवाना था, तो उसके लिए जिसने निकाह पढ़ाया है उसके दस्तखत चाहिए थे, तो मैं मदरसे से बाहर एक छोटे से घर में रहता था, भी तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ा घर दे दिया। तो वो गली भी ऐसी अजीब सी थी और मुझे याद है मेरी वालिदा मोहतरमा आई तो वो रोना शुरू हो गई, बोले हमने तेरा नाम बादशाह के नाम पे रखा है और तू यहाँ रह रहे, अम्मी जो अल्लाह ने दिया बस। तो वो आए और गली को देख के नाक भी सूखे उड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे, तो मैंने उनको दस्तखत कर दिए, तो उसी वक्त अपने उन्होंने जैकेट से गत्थी निकाली, उसमें हजार हजार के नोट थे, तो उन्होंने गिनी कहते आपको कितने दे दें, तो ये मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर, और मैं ये कह के उनको वहीं छोड़ के चला गया, फिर उनसे दोस्ती हो गई। तो मन ना हो, यानी एहसान जतलाना हो कि हमने देखो तुम्हें पैसे दिए, हमने देखो, जैसे लोग अपनी मासियों को सदके के पैसे दे देते हैं, वो देना सही है गलत है वो बात की बात है, मैं वो मसला डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर उससे काम ज्यादा करवाते हैं, तो ये मन पकू मन न वाला आदत,
ये अगर आपने सिर्फ किसी को सदका देना है तो फिर आप मन और अदा न करें। जकात देने के बाद जतलाना शुरू, मैंने चंद एक मिसाली में एक दिन सदका दे के जताना, जी हमने तो आपकी मस्जिद में पैसे दिए थे, पैसे दे के हदिया दे के, जी मौलवी साहब हमने तो आपको आपको इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, आप कपड़े ले लें, हमने आपको इतने पैसे दिए थे हदिये के तौर पे कि आप इससे अपने घर की फलां चीज बना लें, हमने आपको इतने पैसे दिए थे कि आप फलां चीज लें, आपने लाइन हदिया दे के, चंदा दे के, मदरसे में चंदा दे के, कहते जी आपने दीवारें खराब बनाई, तो ये जतलाना ये सब इसके अंदर आता है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, जो लोग ऐसा नहीं करते इन दोनों चीजों से बचते उनका अजर उनके परवरदिगार के पास है, वाला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर उसका कोई खौफ नहीं होगा और उनको कोई गम भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने सदका दे के अजियत देनी है तो अल्लाह फरमाए तुम सदका ना दो भाई, ठीक है, कौलुम मारूफ, अच्छी बात कर दो, वो मगफिरतुन, और एक तर्जुमा क्या बन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट पूरा करता हूँ। कौल मारूफ, अच्छी बात भली बात कर देना, वो मग़फ़िरतुन और दरगुजर कर देना, ख़ैरुन मिन सदक़तिन, ये उस सदक़े से बेहतर है, यद रहा अदा, जिसके बाद तकलीफ की जाए। तो मतलब कोई छोटी सी नहीं, यानी अच्छी बात कर देना या किसी से दरगुजर कर लेना, ये छोटी छोटी नहीं है, ये ऐसे सदके से कई गुना बेहतर है जिस सदके के बाद अजियत दी जाए। और अल्लाह को तुम्हारे सदके मदके की कोई जरूरत नहीं है, वल्लाहु गनीयुन हलीम, वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत पैसे वाले हैं। मैं इसका एक आम सा तर्जुमा करूं, मैं इसका एक आम सा तर्जुमा अगर करूं कि अल्लाह ताला बहुत पैसे वाले हैं, यानी जो पैसे वाला होता है ना उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, तो वल्लाहु गनी, अल्लाह बेनियाज हलीम, और अल्लाह ताला बड़े हिलम वाले, बड़े बुर्दबार, तो अल्लाह को तुम्हारे सदके की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हें जरूरत है। और वो खुश नसीब होते हैं जिनको कोई ऐसा ऐसा मुस्तहिक और नेक शख्स मिल जाए जो वाकईतन सदका लेने का मुस्तहिक हो, तो ऐसे लोग बड़े समझ लें क्या है कि वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको कोई ऐसा ऐसी जगह मिल जाए। तो समझ लें कि सदका तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। खैर, ये उसी की बातें चल रही हैं, जो मुझे बात दरमियान में याद आई तो मैं इंशाल्लाह जिक्र कर दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना, तो लिहाजा ए ईमान वालों, ला तुबतिलू सदक़ातकुम, अपने सदक़ात को जाया मत कर दो, बिल मन्नी वल अदा, एहसान जतला के और तकलीफ दे के। तो मैंने 3-4 बातें कर दी हैं उसको समझाने के लिए। कल्लज़ी युन्फिकु मालहू, उस शख्स की तरह जो कि अपना माल को खर्च करते रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता और आखिरत पर ईमान नहीं रखता। पहले इतनी सी बात को समझिए, फिर मैं इसकी मिसाल का बताता समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आज ढीला हूँ, मैं अलहमदुलिल्लाह तबीयत मेरी सही है लेकिन मैं थोड़ा सा ढीला हूँ, नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाती, तो हो सकता है आप मेरे मेरी टोन से थोड़े से बोर हो रहे हो। कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिया अन्नास, जो लोग मन और अज़ा करते हैं, ये उनकी मिसाल उस शख्स की है जो कि रियाकारी करता है, जो कि रियाकारी करता है, नंबर एक मुसलमान हो के रियाकारी करे तो वैसी उसका काम तबाह है, लेकिन वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है और काफिर हो के रियाकारी करता है तो उसका काम तो बिल्कुल ही डल है, बिल्कुल ही उसके काम में तबाही है, कोई उसके सदके की यानी उसके किसी भी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रही अल्लाह की नजर में। अल्लाह कह रहे हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान, उसके ऊपर मट्टी है, मट्टी है, मट्टी लगी हुई है, मट्टी ऐसी मट्टी लगी हुई है,
मट्टी की वजह से उसके ऊपर दरख्त भी उगाते हैं, जैसे आपने पहाड़ देखे होंगे उनके ऊपर पूरे पूरे दरख्त, इतने इतने बड़े दरख्त उगे हुए होते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो सदका करते हैं ना, तो सदके से क्या होता है, सदके से ये होता है कि इनके उस पे बारिश होती है, बारिश होके इनके लिए यहाँ पर फसलें उगती है और इनके लिए फायदे का सामान बनता। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ऐसी तेज बारिश हुई तो उसने यहाँ की सारी मट्टी उखेड़ दी और चट्टान जो है वो बिल्कुल चिकनी रह गई, चट्टान को कोई इस बारिश का फायदा हासिल नहीं हुआ। तो जैसे ये तेज तरीन बारिश हुई और इस तेज तरीन बारिश से कोई फसल नहीं बल्कि मट्टी जो थी वो सब की सब जाया हो गई, जिससे कुछ फायदा होने की तवक्को थी। तो इनका सदके से पैसे भी गए और पैसे भी जाने के बाद इनका सारा माल माल भी गया और सवाब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये फमा तो उसकी मिसाल कमासली सोफवान उस चट्टान की है, अलई सोफान बड़ी चट्टान को कहते हैं, अलैहि तुराबुन उसके ऊपर मट्टी हो, तो असाबहु वाबिलुन उसको तेज बारिश पड़े, वाबिल तेज बारिश को कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फतरकहु सलदा तो उसको उस चट्टान को चिकना कर देता है, चिकना छोड़ देता है। ला यक्दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इससे कुछ कमा सके, यानी सदके से उनको कुछ हासिल, कुछ हासिल नहीं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिर को उनको हिदायत नहीं देते। अल्लाह, बड़ा जबरदस्त मजमून है, बस करते हैं आज यहाँ पर। मैं तो चार समझ रहा था 2 दिन मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये थी। مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين إلى آخر الآية। صدقات के हवाले से बात इन आयात मुबारक के अंदर चल रही है और तफसील से अल्लाह रब्बुल इज्जत सदकात के हवाले से हुक्म फरमा रहे हैं। दो सदक़े की दो किस्में हैं, एक सदका वाजिबा होता है और एक सदका नाफिला होता है। सदकाते वाजिबा और सदकाते नाफिला, सदकाते वाजिबा के अहकाम अलग हैं, सदकाते नाफिला के अहकाम अलग हैं। यहाँ जो बातें हो रही हैं वो सदकात नाफिला के बारे में बातें हो रही हैं, यानी नफली सदका। सदकात वाजिबा जैसे ज़कात है, किसी ने अपने ऊपर कोई चीज़ नज़र मानी हुई है सदका करने की वगैरह वगैरह, वो अलग मामला है, उसकी बात अलग है। और यहाँ पे सदकात नाफिला की बात हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर हमारे इसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि जो लोग इस आयत के अंदर उनकी मिसाल है। यहां तक मिसाल उनकी ये है कि जो सदका देने वाले हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई किसी शख्स का एक बाग है जो एक टीले के ऊपर है, ऊंचा सा टीला है और टीले के ऊपर उसका ये बाग है। तो अब जो सदका है उसके लिए कैसे फायदेमंद है, बारिश की तरह कि टीले के ऊपर ज्यादा बारिश आए तब भी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, टीले के ऊपर ज्यादा बारिश आए उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, टीले के ऊपर अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए वो भी उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। कि टीले के ऊपर जो फसल होती है उसका रंग ही अलग होता है, कि उसका जायका भी अलग होता है, उसकी मयार भी अलग होता है, यानी दूसरी फसलों से कई गुना बढ़ के होता है। कि टीला है उसके ऊपर हवा भी खास लगती है, धूप भी ज्यादा अच्छी लगती है, सूरज भी अच्छा उसको मौसम देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मिसाल देते हैं, मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम, उन लोगों की मिसाल उस बाग वाले की तरह है, कमतली जन्नतिन उस बाग वाले की तरह, ठीक है, उस बाग की तरह। मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं, इब्तिगा अमरदातिल्लाह,
इब्तिगा अमरदातिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम, जो अपने माल को खर्च करते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, वह तस्वीर तमिन अनफुसिम, और अपने नफ्सों की पुख्तगी के लिए। मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। उन लोगों की मिसाल है क्या है, कमसली जन्नतिन, उन लोगों की मिसाल ऐसे बाग की तरह है कि जैसे जैसे कि एक बाग हो, बिरबवतिन, जो कि एक टीले पर हो, असाब वाबिल, तो उसको वाबिल कहते हैं तेज बारिश को, पीछे हमारा गुजर चुका गायबा, फासाबहू वाबिल, वो और बात थी, ये और बात है। फासाबहा वाबिल, ये उसको तेज बारिश पहुंचे। अब जब तेज बारिश पहुंचे, फअतत उकुलहा, तो बस आएंगे उकुलहा उसके उसके गल्ले, ज़िफ़ैन, कई गुना उसका उसका गल्ला कई गुना आएगा, समझ रहे जी। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन, और अगर उसको तेज बारिश ना आए, फ़कल, तो थोड़ी सी बारिश भी काफी है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसको खूब देखने वाले हैं, अल्लाह उसको खूब देखने वाले। यहां तक आयत उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला दिल में उतार दे, हम सब के दिलों में उतार दे इस आयत मुबारक को। देखें आप इस आयत मुबारक के, मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम इब्तिगा अमरदातिल्लाह, ये मुबतिगा अमरदातिल्लाह पढ़ना है, और जब हम अलग पढ़ेंगे तो इब्तिगा अमरदातिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो भी माल खर्च करना है तो उसको सबसे पहले अल्लाह की रजामंदी के लिए, समझ रहे जी। मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम इब्तिगा अमरदातिल्लाह, अपना जो भी माल खर्च किया जाए वो अल्लाह की रजामंदी के लिए खर्च किया जाए, उसमें सबसे पहले अपनी नीयत ये हो। हदीस में आता है कि दाएं हाथ वाले को, दाएं हाथ को से माल दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, यानी इतनी अल्लाह की रजामंदी मकसूद हो। लेकिन वह तस्बीह तमिन अनफुसिम, उसके साथ अपने नफ्स की पुख्तगी भी मकसूद हो, होनी चाहिए। आप सदका दे रहे हैं तो उसके साथ अगर आप ये नीयत करते हैं कि सदका दूंगा तो मेरा माल बढ़ेगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए आपको ये नियत, मैं सदका दूंगा, मैं सदका दूंगा तो मेरी मेरी रोजी में इजाफा होगा, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं सदका दूंगा तो मेरे मैं बतौर मिसाल मदद करूंगा अपने वालिद साहब की, तो मेरे वालिद साहब खुश होंगे। मैं हदिया दूंगा अपने फलां रिश्तेदार को तो वो खुश होगा। मैं हदिया दूंगा अपने उस्ताद को तो मेरे उस्ताद मुझसे खुश होंगे, उनके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं हदिया दूंगा अपनी वालिदा मोहतरमा को, वो खुश होकर मुझे दुआएं देंगी, बहुत अच्छी बात है। वो तस्बीतम मिन अनफुसिम, अपने नफ्स की पुख्तगी, लिहाजा अगर कोई रोजा रखता है उसमें अल्लाह की रजामंदी के साथ ये नीयत होती है कि रोजा रखूंगा तो मुझे सेहत भी होगी, हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा, तो डाइट कंट्रोल हो जाएगी वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। कोई नियत करता है कि मैं हज करूंगा तो वहां के मकामात भी देखूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस जगह से गुजरे वो जगह भी देखूंगा, तस्वीर तो मिन अनफुसिहिम, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम अपना जी, मैं बतौर मिसाल मैं फुला बुजुर्ग है उनको हदिया लेके दे रहा हूँ, जब मैं उनको हदिया लेके दे रहा हूँ तो वो इस हदिये को इस्तेमाल करेंगे तो उनका दिल मुझसे खुश होगा, बहुत अच्छी बात है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लिहाजा ये गलतफहमी पाई जाती है कि जनाब बस अल्लाह की नियत रखो और किसी की नियत करने की जरूरत नहीं, ये बात गलत है, इसके साथ दूसरी नियत भी हो सकती है, समझिए जी मेरी बात। आगे बढ़े, अब वो लोग जो के अपने माल के अंदर जब माल देते हैं तो जतलाते भी हैं, ये मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी, आप इनको नोट कर लीजिएगा, वजाहत मैंने कर दिया, ये आपकी आसानी के लिए मैंने हल्का सा हाशिया लिखा है।
अवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन। मसला ये है कि वो लोग जो कि हदिया देते हैं, जो कि सदका देते हैं, जो कि जक़ात अदा करते हैं, जैसे मैंने कल जिक्र किया था, यहाँ पर मैंने चार पांच चीजें लिखी भी थी कि जो बदरमिसल मासी है उसको जक़ात दी है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मासी को जक़ात दी जाए, मासियाँ हर जगह से जक़ात दे रही होती हैं, वो खुद इतने पैसे वाली हो चुकी होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मासी को जक़ात दें, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मासी को जक़ात ना दें, लेकिन यह है कि पूछ लेना चाहिए किसी आलिम दीन से, जहाँ एतमाद हुआ पूछ लेना चाहिए। जैसे किसी को बतौर मिसाल कोई अपनी मासी को सदका दे रहा है, ठीक है, अब उससे काम ज्यादा ले रहा है, गलत है। कोई अपनी मासी को जक़ात दे रहा है, अपने नौकर को जक़ात दे रहा है, चौकीदार को जक़ात दे रहा है, और चौकीदार से कह रहा है कि भाई ये थोड़ा सा ये आप पैसे रखो सदके की नीयत से दे रहा है, यार रोजाना मेरी गाड़ी साफ कर दिया करना जरा। अब उससे अपनी गाड़ी साफ करवा रहा है, अब वो बेचारा मजबूर है, यार ये थोड़ा सा सौदा ला के दे दिया करो। अब चौकीदार को हमारे यहाँ बहुत ऐसे होता है कि चौकीदार को पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे होते हैं। नौकर को जनाब थोड़े से पैसे ज्यादा दे रहे हैं सदके के तौर पे दे रहे हैं, और फिर उससे उस नोयत पर का काम भी लेते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह फरमाती है कि ऐसे लोग ऐसे आया वक्त तू, क्या वो लोग ये चाहते हैं, क्या क्या आया वक्त तू अहदुकुम, ये तर्जुमा मुकम्मल ऐसे होगा, वो लोग ये चाहते हैं, गलत तर्जुमा हो जाएगा। आया वक्त तू अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है, अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसका एक बाग हो, मिन नखीलिन खजूरों का, वह अनाब और अंगूर का, अनाब अंगूर को कहते हैं, नखील खजूर को कहते हैं, तजरी मिन तहती अलनहार, उसके नीचे नहरें भी बहती हूँ, यानी उसके अंदर नहरें चल रही हैं और पानी का कोई मसला नहीं, लहू फीहा मिन कुल्ली थमरात, और उसके लिए उसमें हर तरह का फल मौजूद है, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, कसरत वाला है। तो मेरा इस दफा बाग में जाना हुआ, मैं पंजाब गया था, एक्सीडेंटली मुझे जाना पड़ गया था, अचानक से मेरे वालिदैन का हुक्म था कि भाई तुम्हें आना है, मुझे अचानक जाना पड़ गया था फैमिली के साथ। तो वापसी पे हम एक बाग में गए, तो बाग में उन्होंने एक छोटा सा दरख्त था, इतना बड़ा दरख्त नहीं था, उससे उस साहब ने तीन मन माल्टे उतारे, ऑरेंज, 3 मन माल्टे उतारे, और दरख्त को पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर से माल उतारा गया, यानी इतना ज्यादा उस पर फल था। तो लहू फी हा मिन कुल्ली थमरात, उस बाग के अंदर उसके पास हर किस्म का फल। क्या हुआ, अल्लाह हिफाजत फरमा, वा असा बहुल की बरू, उसको बुढ़ापे ने आ पकड़ा, यानी बूढ़ा हो गया, वलहू जुर्रियतुन ज़ुआफा, और उसकी औलादें जो हैं वो कमजोर हैं, छोटी हैं, यानी वो बच्चे हैं, वो बूढ़ा हो गया। अब असाबहा इसारुन, और वो जो बाग था, फासाबहा, हा की जमीर जन्नत की तरफ उठी, यानी बाग की तरफ, फासाबहा, उसके बाग को, इसारुन, एक बगोले ने पकड़ा। आप लोगों ने देखा है कभी कहीं हवा घूम रही होती है, ऐसे हवा घूम रही होती है, उसमें और चक्कर यूं काट रही होती है हवा, और ऊपर कागजों को ऊपर लेके जा रही होती है, उस बगोले को एफसार कहते हैं, समझ रहे हैं आप लोगों की जबान में पता नहीं क्या कहते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, यूं हवा जो है वो यूं हवा चक्कर काट रही होती है, यूं उसके अंदर बहुत सी चीजें, तो फासाबहा उस हवा के बगोले में, फी नार, उसमें आग थी, फहतरक, वो आती उसने पूरे बाग को जला दिया। क्या हुआ, मतलब ये कि जो सदका दे के जतलाते हैं उनके साथ ये मामला है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम अगर अल्लाह किसी को सदका देने की तौफीक अता फरमाए तो पहले नंबर पे तो देखिए कि कहाँ सदका दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे को सदका दे रहा है कि जो मांगता है वैसे ही मांगता है, और वो चलता ही इस चीज़ के ऊपर है कि लोगों से मांग मांग के गुजारा करें, तो ऐसे को सदका देंगे तो हम खुद गुनहगार होंगे। जो फकीर बैठे होते हैं आमतौर पर उनको नहीं देना चाहिए। तो अब अगर हम कोई देख रहे हैं कि वाकईतन मुस्तहिक आदमी है, एक मिनट, तो
फअसाबा इअसारुन फीह नारु, बगोला आया फहतरकत, उसमें उसने उनके बाप को जला दिया। तो कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को बयान फरमाते हैं, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम इसके ऊपर गौर फिक्र करो, इस पे तवज्जो दो। इसको आगे बढ़ाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से दोबारा एक मजीद तरगीब दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे निशान लगाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफिकू, ए ईमान वालों खर्च करो, मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ कसब तुम जो तुम कमाते हो। अल्लाह, इसमें कुछ बातें, हलाल और पाकीज़ा माल अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, ऐसा माल खर्च नहीं करना चाहिए जो कि ख़राब माल है, जैसे आमतौर पे बाग वाले जब वो सदका निकालते हैं तो ख़राब वाला फ्रूट निकाल के मदरसे भेज देते हैं कि ये सदका है, इसी तरीके से जिस सामान की हमें ज़रूरत नहीं है उसको सदका कर दिया, ठीक है, वो ज़रूरतमंद किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, ठीक है, कोई ऐसा काम है जो हम इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा जूसर ब्लैंडर हमने दूसरा ले आए हैं, कोई मशीन है वॉशिंग मशीन है हम दूसरी ले के आ गए हैं, तो वो ऐसा मामला है, तो ये चीज़ जो है वो तो दूसरे को दिया जाएगा, लेकिन इब्तिदान ऐसी चीज़ दूसरे को सदका देना जो हम खुद इस्तेमाल ना कर सकें ये दुरुस्त नहीं है। अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं और इस तरह की चीज़ें ये दूसरे को बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इब्तिदान किसी चीज़ किसी किसी माल में से अच्छी चीज़ खुद रख लेना और ख़राब चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे देना, ये उसकी बात है, समझे। याफ़िको मिन तो ये बात, पाकीज़ा माल में से खर्च करो, मिम्मा कसब तुम जो तुम कमाते हो, वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ध, उस माल में से भी जो हमने तुमको ज़मीन में से निकाल के दिया। वला तयम्मम और मत इरादा करो, वला तयम्मम अलखबीसा मिन हो, इसमें से बुरी चीज़ का इरादा ना करो, तुम सुकून कि तुम उसको खर्च करो, वला तुम भी आखिरी और तुम खुद उसको लेने वाले नहीं हो, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, इल्ला ये कि तुम्हारी आंखें बंद हों, तुमने मुंह फेरा हो तो तुम्हें मिल जाए तो तुम ले लेते हो, वरना तो तुम उसको लेने को तैयार नहीं होते। वालमू, क्योंकि इंसान तो है कंजूस साबित हो, बखील साबित हो, तो लफ्ज़ में वालमू, जान लो, अन्नल्लाह गनीयुन, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम्हें चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमीद और अल्लाह रब्बुल इज्जत काबिल तारीफ है, यानी तारीफ अल्लाह ही की तरफ लौटती है, हर तारीफ अल्लाह की तरफ लौटती है। अब मसला ये है कि जब इंसान माल खर्च करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, शैतान उसे रोकता है, कहते हैं जी तुम तो इतने पैसे निकालोगे, उफ ढाई ढाई लाख में से 2500 रुपये 97.5 रह जाएंगे, तो बहुत ही कम पैसे रह जाएंगे। तो शैतान यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तो तुमको फकर से डराता है, गरीब होने से डराता है, कि तो इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दोगे, जैसे मेरे जानने वाले हैं उनके पास कोई 50 तोले सोना 50 तोले सोना और पता नहीं कितने बरस से जेवर की जकात नहीं थी, 50 तोले सोना आप खुद सोचें कि ये कितने लाखों का है, अभी उनकी तकरीबन कई बरस की ज़कात तकरीबन गालिबन 11 लाख बन रही थी, मैंने उनको हिसाब निकाल के दिया, तो 11 लाख रुपया थे, कितना मुश्किल है, कितना मुमकिन ही नहीं, लेकिन माशाल्लाह खैर वो दीनदार, उन्होंने कहा जी मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, बिल्कुल दूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके ज़कात निकालूंगा, ये तरीका है, इस तरीके से निकालो, इस तरीके से अदा करो, जी फला जगह देना है फला, मैंने उनको बता दी कि किस जगह देना है, किस तरह देना है, उनको समझाए, तो अशैतान यईदुकुम अल-फ़क्र, ये शैतान ये दिखाता है, ये नहीं दिखा रहा, इतना बड़ा तो है अमाउंट, लेकिन ये नहीं, ये दिखाता है इतना बड़ा अमाउंट निकल रहा है, जैसे जो हर साल निकालते रहे, अगर हर साल निकालते रहे तो इतना बड़ा अमाउंट कहाँ बनेगा, लेकिन फिर भी जितना बड़ा अमाउंट हो जाता है उतना इंसान बकील होता जाता है। हमारे मदरसे में एक साहब आए तो उन्होंने सिर्फ ज़कात का हिसाब लगाया, सिर्फ ज़कात का हिसाब लगाया, जिनकी जितनी उनकी फैक्ट्रियां थीं, जितना उनका माल था और जितनी उनकी प्रोडक्शन थी, उस हिसाब से उनकी 1 करोड़ रुपए ज़कात बन रही थी, 1 करोड़ रुपए ज़कात बन रही थी, पूरे घंटा डेढ़ लगाया हिसाब लगा के लिए, 1 करोड़ ज़कात बन रही। तो शैतान अब डराता है कि भाई
वो 1 करोड़ देगा। लाइक 1 करोड़ जकात, आप खुद सोचें कि 1 करोड़ जकात कितने करोड़ पे बन रही होगी, खुद कितने करोड़, यानी 2.5%, यानी 1/40, 40 करोड़ होंगे तो 1 करोड़ की जकात होगी ना। तो आप खुद समझें, यानी करोड़ों रुपए है उनमें से 1 करोड़ अगर जकात निकल रही है, 2.5% उसमें से जकात निकल रही है, तो ये कौन सा टैक्स, तो 10% देने को तैयार है लेकिन 2.5% जकात देने को तैयार है। तो शैतान यعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, शैतान जो है वो तुमको फकर से डराता है, ويأمركم بالفحشاء, और तुमको बुरी काम का हुक्म देता है। والله يعدكم المغفرة منه وفصلا, और अल्लाह तुमसे नंबर एक मगफिरत यानी माफ करने का वादा करता है, वह फसला और ज्यादा देने का वादा करता है। जितना अल्लाह के रास्ते में दोगे उतना अल्लाह बढ़ा के देंगे, जितना अल्लाह, मैंने कभी नहीं देखा कि जो खुले हाथ से देने वाला हो अल्लाह ने उसका हाथ तंग कर दिया हो, नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता, कभी किसी के साथ हो जाए तो हो जाए, ये हर एक के दुनिया में अलग कहानी। तो शैतान की रगबत पैसे की वजह से फाहुशकारी की तरफ तो होती है, वो हराम पे हराम कामों के अंदर करोड़ों रुपया तो लगा लेंगे। हमारे एक अपने जानने वाले हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, अब उन्होंने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी। जब उनको समझाया ये जकात कौन दे मौलवी साहब, ये तो बहुत मुश्किल है हिसाब लगाना, और आप हिसाब लगा के 2 करोड़ की गाड़ी तो ले रहे हैं लेकिन आप हिसाब लगा के जकात देना आपकी, यानी शैतान के चुंगल में कि कौन इतने पैसे निकाले। वल्लाह हुवा सुन अलीम, नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम माल बढ़ता है खर्च करने से, माल बढ़ता है। युक्तिल हिकमत मन यशा, अरे भाई ये तो हिकमत की बातें हैं, जिसको अल्लाह चाहे तो दें, और मैं युक्तिल हिकमा, जिसको अल्लाह हिकमत दे, फकुद ऊतिया खैरन कसीर, उसको बहुत बड़ी खैर दी गई। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, उसको इतना माल मिलेगा, इतना माल तो खर्च करने का देखे तो सही। मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक जरूरतमंद इंसान आया, वाकई जरूरतमंद था, बुजुर्गों के पास, उलमा के पास लोग आते रहते हैं इस तरह के जरूरतमंद और जो वाकई हाजतमंद होते हैं। तो वो आया तो हजरत ने उसको कोई चीज कहा कि मेरे देखो कितने कितने जोड़े पैसे हैं, गाजत पैसे तो है नहीं, जोड़े देखो कितने हैं। कहेंगे जी जोड़े तो आपके पास सिर्फ एक ये है और 5 आपने जोड़े पहना, मेरे कपड़े इसको दे दो, इसको कोई बेच के इनसे जो पैसे हैं वो ले लेना। तो कहेंगे हजरत आपके पास तो बस यही एक जोड़ा रह जाएगा, हजरत आप ना करें, आप पैसा ना करें। तो फरमाने लगे कि मियाँ इतनी मुश्किल से तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने लिए रिज्क का दरवाजा खुलवाया है, तुम फिर इसको बंद करना चाहते हो, तुम फिर इसको बंद करना चाहते हैं। तो जिसके लिए अल्लाह ताला दरवाजा खोल देते हैं रोजी का, तो दुनिया हैरान होती है ये कहाँ से आती है। लेकिन ये रोजी का दरवाजा खर्च करने से आता है जनाब, जो दिल का जितना सखी होगा उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता फरमाएगा। वमा अनफक्तु मिन नफकतिन, मा अनफक्तु मिन नफकतिन औ नज़रतु मिन नज़रिन फइन्नल्लाह, मा अनफक्तु मिन नफकतिन, जो पैसों में से तुम खर्च करो, औ नजर तुम मिन नजर, मा अनफक्तु मिन नफकतिन, जो कुछ तुमने खर्च कर दिया, मसीहा माजी है, मैं इस पे गौर कर रहा था, मा अनफक्तु मिन नफकतिन, जो तुमने पामाल में से खर्च कर दिया, औ नजर तुम मिन नजर, ये तुमने कोई मन्नत मानी, फ़इन अल्लाह यालम, तो अल्लाह उसको जानता है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों को किसी तरह की कोई मदद मुयस्सर नहीं होती, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है। खैर मेरा ज़हन उसी तरफ लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर साहब की तरफ, तो हम इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे, इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे। आप ज़रा दुआ करें बस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस कुरान मजीद पढ़ने को कबूल फरमाए, ये जो हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसे उनके लिए सबका जारिया बना दे, और इसी का सवाब हम उनको हदीयतन पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला समझने वाला बनाए। मुझे साथी बता रहे थे, कहने लगे कि ICU में मैं जाता हूँ,
मैंने देखा कि कई मुर्दे, कई लोग तड़प रहे होते हैं और वो जुमेरात का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे जुमेरात आती है ऐसे लाइन लग जाती है, इंतकाल वालों की लाइन लग जाती है। तो ये भी यानी असर तक तो ठीक थे और तबीयत तबीयत स्टेबल थी, वेंटिलेटर पर ही थे लेकिन तबीयत स्टेबल थी। अभी आपने देखा इशा मगरिब हुई, जुमेरात दाखिल हुई, इंतकाल हो गया। हमने भी जाना है जी, और ये आज का सबक भी इसी बारे में है कि इंसान खर्च करने में बुखल ना करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तौफीक दिया हिम्मत से सदका करने की आदत डाले, ऐसे नहीं कि सारे पैसे उठा के दे दे। अल्लाह मुझे आपको हम सबको समझ। मा अनफक्तु मिन नफकतिन, मजमून नंबर 12 चल रहा है हमारा और उसके अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में चीजें हैं। यहाँ से ये बातें शुरू हो रही हैं। वमा अनफक्तु मिन नफकतिन औ नजरतु मिन नजरिन फइन अल्लाह यालमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मा अनफक्तु मिन नफकतिन, जो कुछ भी तुम खर्च कर दिया, जो कुछ भी तुम खर्च करो, वमा अनफक्तुम, तुम खर्च करो, मिन नफकतिन माल में से, औ या नजर तुम मिन नजर, या तुम कोई नजर मानो, तुम कोई भी खर्चा करो या तुम कोई नजर मानो, ठीक है। फइन अल्लाह यालमुहु, अल्लाह ताला ये जान रखो, ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला उसे जानते हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जो जुल्म करने वाले उनके लिए कोई मददगारी नहीं। मैं तफसीर नहीं करता लेकिन मैं बुनियादी तौर पे आयत समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पीछे से चलते हुए आए कि पीछे खर्च करने का जिक्र है और वो सारी बातें दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औ नज़र तुम मिन नज़रिन जो कर दिया, कि इसका क्या मतलब है? औ नज़र तुम मिन नज़रिन, या तुम कोई नजर मानो, ठीक है। फइन अल्लाह यालमुहु, अल्लाह उसको जानते हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, एक तो इन्फाक की बात चल रही है, दूसरा ये एक अलग बात है, तीसरा ये एक अलग बात है, चौथी ये एक अलग बात है। क्या मत जोड़ क्या इन बातों का? अगर आप समझ रहे हैं कुरान मजीद को, कुरान मजीद के तर्ज को समझ रहे हैं, कुरान मजीद के लहजे और रवैये को समझ रहे हैं, तो क्या मतलब है? आपके जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए। तो अब समझ ले जरा। आमतौर पर इंसान को कभी कोई हाजत होती है, तो यहाँ एक तरीका का सिखाया जा रहा है। तो तुम्हें कभी कोई हाजत हो ना, तुम उसके लिए नजर भी मान सकते हो, और नजर के अंदर भी इंसान माल खर्च करने की नजर मान सकता है, ठीक है। माल खर्च करने की, कि मैं इतने पैसे मस्जिद में डालूंगा, मैं इतने पैसे फलां जगह पर दूंगा, मैं फलां जो जगह है वहां पर मदरसा बनाऊंगा, मैं फलां नेक आदमी है उसको इतना हदिया दूंगा, फलां मेरे खानदान का जरूरतमंद है उसको इतना इतने पैसे दूंगा अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए। तो आमतौर पर नजर में इंसान खर्च करने की मामला करता है। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बाज़े लोगों पे कोई मुसीबत डालते हैं ताकि वो खर्च करने की नज़र माने, और जब वो खर्च करने की नज़र मानते हैं और फिर अपना पैसा खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनके खर्च करने की बरकत से उनकी मुसीबत को टाल देते हैं। तो इस वजह से इन्फाक के साथ नज़र का भी जिक्र कर दिया कि नज़र के अंदर भी जो तुम माल खर्च करोगे वो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह में आ जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। फइन अल्लाह यालमुहु, इसका भी जोड़ बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हरकतों को जानते हैं, कि तुम्हारे ऊपर जब तो कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी तुम उस वक्त तक सदका नहीं देते। हालांकि सदका देने का आम रिवाज होना चाहिए। जो आपके पास माल था, ये मैं खासतौर पे मैंने जो पीछे जिक्र किया शेख से पूछ के करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हजरात को अमल करने की इतनी फिक्र होती है, और अपनी हालत पे रोना आया कि हम तो कोई इतना करते नहीं, माशाल्लाह आप लोगों को ऐसी फिक्र रही। और इसमें ख्वातीन के भी फोन आए, तो मैं खास तौर पे ये और कहना चाहूँगा कि जिसके हाथ में कोई माल है ही नहीं, तो जाहिर बात है उसके लिए कोई ऐसी
बात नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा लाजिम नहीं है। जो खवातीन शोहर के ताबे हैं, जाहिर बात है जो उनके शोहर खर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर एक लिहाज से उनका हिस्सा भी है, लेकिन अगर शोहर जेब खर्च दे रहा है तो फिर अपने पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे अलग करते रहना चाहिए और फिर उसको किसी स्पेसिफाइड किसी नेक काम में खर्च कर देना चाहिए। फ़इन्नल्लाह यालमुहु, अल्लाह ताला तुम्हारे बुखल को जानते हैं। इंसान बखील है, इंसान को माल की मोहब्बत बड़ी होती है, तो जो माल की मोहब्बत को लेके पाले पाल के बैठा रहता है, उस पर सांप बना रहता है, तो फिर उनकी कोई मदद नहीं होती। तो वमालिज़ालिमीना, तो ऐसे लोग जालिम होते हैं, यानी अपने ऊपर जुल्म करने वाले होते हैं, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे के माल की हिफाजत मत करो या रसूलल्लाह, दूसरे के माल की हिफाजत। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा माल तो वो है जो तुमने पहना और खर्च कर दिया, वो तुम्हारा माल वो है जो तुमने खाया, अफसदा और ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, वह अलबसा पहना और ख़त्म कर दिया, ठीक है, इस्तेमाल किया और ख़त्म कर दिया, बल्कि असल तुम्हारा माल वो है जो तुमने सदका कर दिया। इसको देख के 100% माल सदका ना कर दें, बल्कि कुछ माल अपनी औलाद के लिए छोड़ना चाहिए, कुछ माल दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए। अपना मेरे मेरे ऊपर एक दफ़ा जब उस सैजी ने यह आयत पढ़ाई, तो मेरे पास उस वक्त पैसे जमा थे, मेरा मिजाज है, आदत है, पैसे जमा करता रहता था, वालदैन ने आदत डाली थी और के किसी मुश्किल वक्त में इस्तेमाल हो जाएंगे पैसे। अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि बेटा थोड़े थोड़े पैसे जमा किया करो, ये एक अच्छी आदत होती है। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, 2 से 3 हज़ार रुपये, उस वक्त तालिबे इल्म के पास 100 रुपये होना ये भी बड़ी बात थी। तो मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपये जमा थे। बहुत से तलबा होते थे जिनके पास साबुन के पैसे नहीं होते थे, सर्फ के पैसे नहीं होते थे, कपड़े धुलाना धोबी से, तो कभी कपड़े, हालांकि धोबी 10 रुपये के कपड़े धोता था, लेकिन ताकत ही नहीं होती थी धोबी से कपड़े धुलवाने की। तो ऐसी ऐसी गुर्बत दी थी बाज़े तलबा ने। तो फिर चलो, तो मैंने उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी मेरे पास ये पैसे अल्हम्दुलिल्लाह जमा है, मैं 3 साल से जमा कर रहा हूँ, तो दिल चाहता है कि सब के सब सदका कर दो। तो उस्ताद जी ने फरमाया मियाँ इसमें से 20 रुपये निकालो, फिर कहा 20 रुपये निकालो, फिर कहा 20 रुपये निकालो, कहा कि ये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये फला फला तालिब इलम को दे दो, यही आपके लिए सदका है, बाकी पैसे संभाल के रखो। आपने टिकट कराना होता है, 700-800 रुपये का टिकट होता है, उसके लिए फिर आपको परेशानी होगी, अल्लाह देगा, लेकिन असबाब इख्तियार करने अपनी जगह ज़रूरी है। तो वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, तो जो माल के ऊपर सांप बन के बैठे होते हैं, फिर उनके उनके वो उनको जालिम करार दिया, मिन अंसार उनका उनकी कोई मदद नहीं होगी। सदका करने से बड़ी मदद होती है। आप देखते हैं एक कुआं है ना, कुआं है या एक नलका है, उसमें से जब पानी निकाला जाता है तो जितना पानी निकाला जाता है उतना उसमें से साफ सुथरा ठंडा पानी आता है, और अगर एक नलके में से पानी ना निकाला जाए एक अरसे तक, 2-4 दिन तक, तो उसके बाद जब पानी निकाला जाता है तो पानी में बदबू होती है, ये पानी साफ सुथरा नहीं होता, बल्कि उसमें ग्रीन कलर होता है, यानी एक काई का रंग होता है। तो जब पैसे एक जगह जोड़ के रखे जाए, उसमें से खर्च ना किए जाए, तो इसको मेरी उस बात का मुतजाद ना समझे कि मैंने कहा पैसे जोड़ने चाहिए, मतलब ये कि सिर्फ जोड़े नहीं बल्कि उसमें से खर्च भी करे, ये अल्लाह के रास्ते में उसमें से पैसे निकालता भी रहे। तो जब पैसे निकालता रहेगा तो अल्लाह और डालते रहेंगे, निकालता रहेगा तो अल्लाह और डालते रहेंगे, यानी होशमंदी से निकाले जाए, अपने पैसों में से कुछ फीसद मुकर्रर कर लिया जाए कितना निकालना है मैंने। दर मिसाल 100 रुपये आए तो 100 रुपये में से 5 रुपये मुझे निकालने, 1000 रुपये आ रहे हैं तो 1000 में से मुझे 100 रुपये, नहीं 50 रुपये निकालने, नहीं 50 नहीं 20 रुपये निकालने। तो इस तरीके से मामला, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ालिमीन के लिए कोई मदद नहीं है। मेरे एक साथी हैं माशाल्लाह, जूतों की दुकान है उनकी बहादुराबाद में, इतने शदीद परेशान होते थे कि मुस्तकिल डिप्रेशन का मर्ज हो गया। सदका करने की तरगीब दी, ये मौजू नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इन आयात पे अमल भी करें, क्योंकि उसके जो फ़वाद मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो उसके अपने बड़े मकाम हैं फ़वाद के। नफ्सियाती मरीज थे लेकिन अल्लाह ताला ने खर्च करने की बदौलत ऐसा काम चलाया, तो एक बार कहने लगी कि पैसे मेरे पास ज़्यादा हो गए, मैं देना चाहता हूँ,
मैंने कहा जी फला फला जगह मशरफ है, आप मुझे पहुंचा दें। मुझे पहुंचाने आए तो माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया निकाला। कहने लगे कि कभी मुनाफा इतना नहीं हुआ, इस दफा माल का 10वां हिस्सा मैंने निकाला, ये निकला है। हालांकि सीजन नहीं था, यानी 10वां हिस्सा 1.5 लाख रुपया, और जो है यानी आम तौर पे कभी इतना मुनाफा ही नहीं हुआ कि अभी 10वां हिस्सा इतना निकल रहा है। ये सदका से अल्लाह ने इतनी बरकत दी। खैर वइन तुब्दु सदकात फन इम्मा, अल्लाह खुद फर इम तुब्दु सदकात, अगर तुम सदकात को जाहिर करके दो, फन इम्मा ही, तो ये बहुत अच्छी चीज है, फायदेमंद चीज है। लेकिन इसके मुकाबले में इन तुखफूहा, अगर तुम छुप के दो, सदका देने का तरीका अल्लाह बता रहे हैं कि पहले अगर तुम जाहिर करके सदका दो, ये भी जायज है। इन तुखफूहा, और अगर तुम उसको छुपा कर दो, व तुक्तुहल फुकरा, और फुकरा को दो, ये फुकरा से आजकल बाहर जो फकीर खड़े होते हैं ना, ये फकीर नहीं होते, ये भिकारी होते हैं। तो फकीर का तर्जमा फकीर है, ठीक है, फकीर का तर्जमा फकीर है, जो कि फकर से निकला है। फकर यानी मोहताज हो, कौन मोहताज, मैं उसका आगे जिक्र करता हूँ। तो तुहल फकरा, आजकल जो बाहर लोग खड़े होते हैं जिनको आम जबान में फकीर कहते हैं, वो फकीर नहीं है जी, वो भिकारी हैं, ठीक है। और भिकारियों को देना जायज नहीं है, ये याद रखिए जी, इतने सदका फला भिकारी को दे दिया, जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है जी। मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा होता हूँ और शदीद सुबह सर्दी होती है, आम सर्दी से ज़्यादा सुबह पीक पे सर्दी होती है, यानी जो पिछले दिनों गर्मी पड़ रही थी, हम अप्रैल तक यानी सर्दी लगती है सुबह जब जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो जिस चौरंगी पर फकीर ने खड़ा होना होता है फजर के वक्त, वहाँ आके अपनी सेटिंग कर रहे होते हैं ये फकीर, तो असल में ये भिकारी हैं, ये फकीर नहीं है। और एक दो दफ़ा एक दो से बात हुई तो एक दिन से 30-40 हज़ार रुपया कमा रहे, तो ये फकीर थोड़ी होते हैं। पैसे, इनको पैसे देना जायज़ नहीं, इनको ज़कात देना भी जायज़ नहीं। अगर किसी ने इनको ज़कात दी है तो उसकी अदा नहीं हुई, दोबारा अदा करें। फ़कीर की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाई, इन तुखफूहा, अगर तुम छुपा के दो, व तुक्तुहल फुकरा, और ऐसे मोहताज लोगों को दो जिनको फ़कर हो, फहुव खैरुल लकुम, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ने जायज काम भी बता दिया और बेहतर काम भी बता दिया। उससे कहा वेकफ फिरानकुम मिन सैयातिकुम, अल्लाह इससे तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेंगे। सैयाद से मुराद गुनाह भी है और सैयाद से मुराद आफात भी हैं, तकलीफें भी हैं। तो सदके की बरकत से अल्लाह आफात भी हटा देते हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो तुम करते हो अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। अल्लाहु अकबर। सदके के हवाले से ही आगे एक और बात आ रही है, लैस अलैका हुदाहुम वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलि अनफुसिकुम वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजही रब्बी बाज़े अंसारी सहाबा के ना कुछ गरीब रिश्तेदार थे, लेकिन वो काफिर थे, काफिर होने की वजह से मुसलमान इसकी मदद नहीं करते थे। मुसलमान कहते थे जब ये काफिर से मुसलमान हो जाएंगे तो तब हम इनकी मदद करेंगे, तो उनको कहते भी थे कि तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हें पैसे देंगे, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो अल्लाह ने यहाँ इस बात का मना फरमाया, लैसा अलैका हुदाहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तायद फरमाई कि नहीं, वो काफिर हैं, उनको कोई सदका वगैरह मदद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मुसलमान हो जाएंगे, वो उनको बता दो कि तुम मुसलमान हो जाओगे, तो फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मना फरमाया अपने प्यारे नबी को, लैसा अलैका हुदाहुम, ए नबी आपके ज़िम्मे उनकी हिदायत नहीं है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसको चाहे अल्लाह हिदायत दे। लिहाजा आप ये जो तदबीर कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह फरमाई। आप खुद देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सोच थी कि लोग चलो पैसे की वजह से मुसलमान हो जाए लेकिन जहन्नम से निकल आएंगे ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी सी भी ज़बरदस्ती पसंद नहीं आई।
जो अपने ऊपर बड़ों को रखते हैं, बाजे बातें उनको समझ में नहीं आती कि बड़ों ने ये बातें क्यों फरमाई हैं, क्यों हुक्म दिया है इस वजह से, लेकिन उसके अंदर बड़ी हिकमतें और राज होते हैं। तो लैसा अलैका हुदू, ऐ प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके जिम्मे उनको हिदायत देना नहीं है, बल्कि बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। तो अब अल्लाह की मर्जी अल्लाह उनको हिदायत दें, अब अल्लाह की मर्जी अल्लाह उनको हिदायत ना दें, ये अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों से वाकिफ़ है कि फ़लाँ के दिल में क्या चीज़ है, दिमाग के दिल में क्या चीज़ है। उमा तुनफिकु मिन खैर, खैर माल दें, खैर से मुराद माल, उमा तुनफिकु मिन, जो तुम माल में से खर्च करते हो, फली अनफुसिकुम, ये उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जान के लिए है। लिहाजा अगर किसी को सदका दे रहे हो तो उसके लिए मत दो, अपने लिए दो, ठीक है। और यानी नंबर एक अपने आखिरत के फायदे के लिए, और नंबर दो अपने दुनियावी फायदे के लिए भी दे सकते हो। जी हाँ, अल्लाह अकबर। तो अगर अगर कोई ऐसा जरूरतमंद मोहताज आदमी आपके पैसे को कबूल करे तो शुक्रिया अदा करो, जजाकल्ला आपका कि आपने मेरे पैसे कबूल किए। ये नहीं कि एहसान जो हमने तो आपको बड़े पैसे दिए, हमने तो आपको ये दिया। तो वमा तुनफिकु मिन खैरिन फली अनफुसिकुम। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वाला शेखुल अरब वाला जम, फरमाते हैं कि एक शख्स एक बुजुर्ग की खिदमत कर रहा था, तो हजरत वाला ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हें हजरत वाला की खिदमत कर रहा था, तो लगा कि हजरत हमने तो सुना बुजुर्गों के मजे होते हैं, लोग खिदमत करते रहते हैं वगैरह वगैरह। फरमाया कि ज़रा हाथ उठाएं, उन्होंने हाथ उठाए तो हज़रत ने अपने पाँव खींच लिए, फरमाया कि लो अब मेरी खिदमत करके दिखाओ। तो कहने लगा महरूम हो गया ना। फरमाया कि बाज़े दफ़ा टांगे दर्द करना शुरू हो जाती हैं, लोग इतना दबाते हैं, लेकिन फिर भी टांगे दबवाता रहता हूँ ताकि लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मेरी टांगे दबा रहे हैं, मेरी टांग को दर्द हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरी टांग दबा रहे हैं तो हो सकता है कि इनके इस आजजी और पाँव दबाने की वजह से अल्लाह इनको माफ़ कर दे, तो मैं इसलिए दबवाता हूँ, मैं इसलिए दबवा रहा हूँ कि हो सकता है कि इसकी आजजी और इनकी सारी की वजह से अल्लाह इसे माफ़ कर दे और इसकी इस रियायत रखने की वजह से अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो हम जो माल किसी को दे रहे हैं तो हरगिज ये समझ के ना दे कि वो मोहताज है, बल्कि ये समझ के दे कि मैं मोहताज हूँ। अलबत्ता ये देखें सही कि वो वाकईतन मोहताज है या नहीं। वमा तुनफिकूना, और जो तुम खर्च करते हो ना, इल्ल इब्तिगा वजहिल्लाह, तो वो अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए, ठीक है, वो अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए, समझ रहे। वमा तुनफिकु मिन खैरिन, क्यों, देखो वमा तुनफिकु मिन खैर, जो तुम माल में से खर्च करोगे, युवफ्फा इलैकुम, युवफ्फा, ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, तसल्ली दे दें, सो दोगे ना तो सो तो पूरे मिल के ही रहेंगे, सो दोगे सो पूरे के पूरे मिल के रहेंगे, याद रखना। मा तुनफिकु मिन खैरिन युवफ्फा इलैकुम, तुम्हें पूरे के पूरे मिल के रहेंगे, दूसरी जगह हमें ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन सो तो मिलेंगे, ये याद रखना, सो मिलेंगे, सो तो लाजमी मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा दिया जाएगा, मतलब इसको 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 स्क्वायर कर दें, इसको क्यूबिक कर दें, इसको बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, यानी 100 के ऊपर 12 लगा दें जरा, तो कितनी सिफरें बनेंगी, लगाते जाएं सिफरें, लगाते जाएं सिफरें, लगाते जाएं, युवफ्फा पूरा दिया जाएगा तुम्हारा कम, वन तुम ला तुज़लमून, और तुमसे जरा भी कम नहीं किया जाएगा। सुभानअल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या तसल्ली है अल्लाह की। मैं क्या बताऊं, मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा, मैं कहता हूं आप करके देखें, आप करके देखें, अल्लाह ना दे तो फिर मुझे कहना। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जिसने अल्लाह के रास्ते में निकाले पैसे, जितनों को मैं जानता हूं, जितनों को मैं जानता हूं, अल्लाह ने उनको कम किया हो। ये तो अपनी आंखों से देखा है ना, कि देने वाले को अल्लाह कभी भूखा नहीं मारता, देने वाले को अल्लाह कभी पीछे नहीं छोड़ता। अब देना किसको है जी, अब जी बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, बड़ी जबरदस्त बात, लिल फुकरा, उन गरीब लोगों को, अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, देखें
सब ये नहीं है। अल्लाह ने दूसरी इन्नमा सदकातुल फुकराए वल मसाकीन आठ लोग बयान फरमाए, हम अपनी जगह पे पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने ना यहाँ पर सदकात, सदकात वाजिबा नहीं, सदकात नाफिला की बात की है। बड़ी खूबसूरत आयत है, आप जरा इसको समझे। और आज के जमाने में आप खुद समझिएगा मैं किसको क्या इशारा करूँ। लिल फुकरा, वो गरीब लोग, अल्लज़ीन उहशरु फी सबीलिल्लाह, जो कि महसूर हो गए अल्लाह के रास्ते में, यानी मस्जिद से बाहर जा नहीं सकते बेचारे, मदरसे से बाहर जा नहीं सकते, घंटों घंटों मुताला करना है। आज भी मौलवी साहब मिले मुझे, जनाब क्या है ये, एक कमरे का घर है, दो कमरों का घर है, और ना मोटरसाइकिल ना ना साइकिल और कुछ भी नहीं, और जनाब परेशानी है, बच्चा बीमार है, और डॉक्टर को फीस देने के पैसे नहीं। आया लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरू, क्योंकि हम तो साथ रहते हैं ना, तो हमें ऐसे लोगों के हालात पता चलते, साबुन के पैसे नहीं होते। जी हमारे मदरसे में एक धोबी आता है जो आजकल कपड़े धोने के 40 रुपए लेता है, तो उस्ताद जी ने फरमाया कि देखो भाई इतने सस्ते कपड़े धो रहे हैं, वरना भाई तो 100 रुपये का एक जोड़ा धोते हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक दो मौक़ों पे मुझे पता चला 100 रुपये का, तो वो 40 रुपये लेते। उसने कहा 40 रुपये का तो कपड़ा धोता है, तो आप इसमें तो एक तालब उस्ताद जी हम 40 रुपये कहाँ से दे सकते हैं। तो ऐसे भी होते हैं लिल फ़ुक़रा, वो गरीब लोग, उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, जो के महसूर हो गए अल्लाह के रास्ते में। सुबह से आप एक एक हिदाया पढ़ाना है, जैसे मैं आपको कुरान पढ़ा रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल है ना। जिनको हमने तफसीर पढ़ानी है तो उसके लिए मैं तकरीबन 12-12, 13-13 तफसीरें देखता हूँ, और कम से कम उसके ऊपर मुझे मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं। जब 2 से 3 घंटे लगते हैं सिर्फ आधा पौना घंटा पढ़ाने के लिए, तो आप खुद बताएं, जब 2 से 3 घंटे किताब को पढ़ाने के लिए, 3-4 किताबें पढ़ानी है, 4-5 घंटे तो सिर्फ मुताले पे चले जाएंगे। उसके लिए यकसुई की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, सही माहौल की ज़रूरत है। फिर बच्चों को क्या वक्त देंगे, फिर 6-7-8 घंटे पढ़ाना है, 5-6 घंटे उसकी पढ़ाई में लगने हैं, कुछ फतवे लिखने हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उहसिरू फी सबीलिल्लाह, नमाज पढ़ानी है। अब जब नमाज पढ़ी तो बाजार की सोच जाएंगे, शॉपिंग करने की सोच जाएंगे, 85 चीज़ें। अल्लज़ीन उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जो कि अल्लाह के रास्ते में बंद कर दिए गए, ला यस्ततीउना ज़रबन फिल अर्ध, वो ज़मीन में चल नहीं सकते, यानी ज़मीन में वो तजारत तो कर नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं, 24 घंटे वो फतवे हल कर रहे हैं, हर वक्त वो इस फिक्र में कि इस मसले का क्या जवाब है, इस मसले का क्या जवाब है, इस चीज़ का क्या जवाब है, इस मामले का क्या जवाब। ला यस्ततीउना ज़रबन फिल अर्ध, इस बात की इस्तेदात नहीं रखते कि वो ज़मीन के अंदर घूमे फिरे। लेकिन क्या होता है, यहसबहुमुल जाहिलु अग्निया, जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो लाइलम लोग हैं, अग्निया, उनको समझते हैं कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं, मिनत तहफ़ुफ़, इसलिए कि वो अफीफ़ रहते हैं, वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो अपनी मोहताजगी किसी के सामने जाहिर नहीं करते। यहसबहुमुल जाहिलु, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह, जिस दिन घर में फाका होता था उस दिन घर में अब एक स्पेशल जोड़ा रखा हुआ था, उस दिन वो जोड़ा पहन के घर से बाहर निकलते थे ताकि किसी को पता ना चले कि मौलवी साहब बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे तो ऐसे कपड़े किसी के पास है ही नहीं, मौलवी साहब बड़े ही ज़बरदस्त आपने कपड़े पहने हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त जूता पहना हुआ आपने। अरे हाँ, अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पता चलता कि घर में फाका है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ने पुलिस में हमला किया और घर में डाका मारा, घर में डाका मारा, घर में अटैक किया, तो वो पुलिस वाला रो पड़ा, कहने लगे हजरत आपके घर के खाने के डब्बों में चीनी भी नहीं है, आपके घर में प्याज भी नहीं है, आपके घर में टमाटर भी नहीं है, आपके घर की जो आटा डालने वाली मिट्टी है उसमें एक एक गन्नों का दाना नहीं है, हजरत ये क्या है। और हुकूमत आपके पीछे लगी है खत्म नबूवत के मसले पर, लेकिन कपड़े आपके ऐसे जबरदस्त होते हैं, लोगों के पास सवारी नहीं, आपकी सवारी इतनी जबरदस्त होती है। और मैं मियाँ, हमारे घर में 16 साल से खाना नहीं पका है,
जी हाँ, कभी किसी ने दे दिया तो दे दिया, यह सब हमुल जाहिलो अग्निया आमिन तआफुफ, पान इतना जबरदस्त खाते थे लेकिन घर में पकाने के लिए, क्यों कोई कोई हदिया कर देता, कोई इस तरह की चीज हो जाती तो यह सब हमुल जाहिलो अग्निया आमिन तआफुफ, क्योंकि सवाल से बचते हैं तो इस वजह से लोग उनको गनी समझते, तारीफ भी सीमा, लेकिन तुम उनको उनके चेहरे से पहचानो, उनके चेहरे से पहचान लोगे, चेहरे से पहचान लोगे, ये मकाम मुझे अभी तक समझ में नहीं है, मैंने बहुत देखा बहुत तलाश किया, अपने उस साजी से पूछा मैंने, तो जी कहते हैं सुभान अल्लाह मियाँ, मुझे भी आज तक ये मकाम समझ में नहीं आया। उनके चेहरे पे क्या ऐसी चीज होती है कि जिसको देख के लोग पहचानते हैं, मैं समझ नहीं पाया, कि वह लोग तो रोते रहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने अपने बुजुर्गों को नहीं देखा, घर में इंतहाई फकर की हालत, लेकिन सवाल है उनके चेहरे से जाहिर हो, मुझे ये मकाम अभी तक समझ में नहीं आया, लिहाजा मैं यहाँ पे बहुत माजरत चाहता हूँ, कल कला कभी कभार कभी मुझे किसी बड़े आलिम से मेरी ऐसी मुलाकात हुई, हमारे अकाबरीन में से, जिनसे मुझे कोई ऐसी चीज पता चली, क्योंकि 30-40 तफासिर में देखा जा चुका है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या खास अलामत थी। अलबत्ता एक जाहिरी अलामत यह है कि ला यसअलून नास इल्हाफा, वो लोगों के पीछे लग के, इल्हाफा कहते हैं लपक लटक के, ला यसअलून नास इल्हाफा, वो लोगों से लटक लटक के सवाल नहीं करते, लोगों से इशारों इशारों से सवाल नहीं करते कि जी हमें दे दो, जी हमें दे दो, ये तुम जो सदक़े हैं वो हमारे पास भेज दो, सदका जो है वो इधर दे दो, उधर दे दो, हमें दे दो, हमें चाहिए फलां, नहीं, लोगों से बार बार तकाजे नहीं करते, बार बार चंदे नहीं करते, ला यसअलून नास इल्हाफा, लोगों से भीख नहीं मांगते, लोगों से पैसे नहीं मांगते, ये उनकी एक जाहरी निशानी है। इसलिए मैं कहता हूं जो बार बार आपसे मांगे, देखिए हम तो बड़े मोहताज हैं, पिछले दिनों भी किसी साहब का फोन आया कि फलां खातून है हमारे घर आ जाती है हर कुछ अरसे के बाद, 5 से 5 हजार मांग रही है, 10 हजार मांग, मैं उनसे कहा उनको देना जायज ही नहीं है आपका, क्योंकि जो इस तरीके से पीछे भीख मांग रहे हैं तो वो उनकी तो आदतें खराब हो रही है, तो भीख मांगने के आदि बन रहे हैं, तो ला यसअलून नास इल्हाफा उनकी निशानी है कि वो लोगों से पीछे लग के नहीं मांगते, वमा तुनफिकु मिन खैर, और जो तुम खर्च करो माल में से, फाइन अल्लाह भी, जो तुम खर्च, वमा तुनफिकु मिन खैर, मैं 1 मिनट, वमा तुनफिकु मिन खैर, जो तुम खर्च करते हो, मैंने समझा मजहूल का तर्जुमा होगा, जो तुम खर्च करते हो माल में से, यकीन रखो कि अल्लाह ताला उसको जानते हैं। लदीन युनफिकून अमवालहुम, अब फिर दोबारा खर्च करने वालों के बारे में बता रहे हैं, वो लोग अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, यहां उनकी तारीफ की थी, अब दोबारा लदीन युनफिकून अमवालहुम बिल्लई, वो लोग जो कि खर्च करते हैं अमवालों माल को, बिल्लई रात में, वन नहार और दिन में, सिर्रन छुपा के, वह अलानियतन और जाहिर करके, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, दोनों सूरत में उनका अजर उनके परवरदिगार के पास है, वला खौफुन अलैहिम, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना उनको कयामत के दिन कोई गम होगा। तो खर्च करने का ये मज़मून यहां पर हमारा मुकम्मल हो गया। आगे मज़मून नंबर 13 है रिबा के बारे में, इंशाल्लाह मैं वहाँ कल कल इसके बारे में जिक्र करूंगा, बड़ा तफसीली जबरदस्त मजमून है, मजमून नंबर 13 रिबा के बारे में, यहां पर मजमून नंबर 13 है, फिर उसके बाद